राहत 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 रोटरी विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर फिर से एक बार 7 से 14 नवंबर मंडला में पीड़ित मानवता की सेवा में मध्य प्रदेश शासन रोटरी इंटरनेशनल और राजकृष्ण तनखा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय मंडला में पुनः एक बार रोटरी राहत मेडिकल मिशन 7 नवंबर से 14 नवंबर 2019 तक देश के ख्याति प्राप्त चिकित्सकों द्वारा आंख, नाक कान गला दांत हृदय रोग पेट मस्तिष्क त्वचा अस्थि रोग स्त्री रोग शिशु रोग प्लास्टिक सर्जरी एवं विभिन्न शारीरिक बीमारियों के निशुल्क इलाज और सर्जरी का सुनहरा अवसर। आज ही अपना पंजीयन कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। पंजीयन कराने के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र आशा कार्यकर्ता और ANM से आज ही संपर्क करें। आप घर बैठे अपना पंजीयन करा सकते हैं। मोबाइल प्ले स्टोर से राहत ऐप डाउनलोड करें और ख्याति प्राप्त चिकित्सकों से निशुल्क उपचार हेतु अपना पंजीयन कराएं। राहत 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 रोटरी विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर 7 नवंबर से 14 नवंबर तक मंडला में। देखिए, राहत दो शिविर हमारे यहाँ 7 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में मंडला जिले के मुख्यालय में होने जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ हैं उनके ऊपर पूरा परीक्षण किया जाएगा। जिले के साथ साथ जो सराउंडिंग्स में हमारे अन्य जिले हैं, चाहे डिंडोरी हो, सिवनी हो, बालाघाट हो, जबलपुर हो, यहाँ के भी लोग लगे हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के भी जनता यहाँ आती है और अपना परीक्षण कराती है। 2010 में राहत हो चुका है, तो इसकी जो तैयारियों के सिलसिले में हम लगातार काम कर रहे हैं। जिला स्वास्थ्य कमेटियों की बैठक हम 2 बार ले चुके हैं, साथ ही मैदानी अमले की बैठक ले चुके हैं। हमने अगले पूरे 1 सप्ताह में 8 तारीख से पूरा स्टरिंग के कैंप लगाए हुए हैं, जो विकास के स्तरीय कैंप होंगे। साथ ही गांव-गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए भी हमने एक आज रथ रवाना करेंगे। इसके साथ जो पैम्पलेट छपा करके हमने उपलब्ध कराए गए हैं, उन पैम्पलेट को भी गांव-गांव में चस्पा करेंगे ताकि उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। एक एम बनाया है रोटरी के साथियों ने, उसके माध्यम से जो पेशेंट है उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। हमारे यहाँ RBS की टीम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो पूरे 12 टीमें काम कर रही है, इन टीमों के पास में पहले से चयनित बच्चे हैं जिनका स्वास्थ्य परीक्षण और किया जाता है, उसको आगे की जो रेफरेंस सर्विसेज देंगी उनको भी यहाँ टारगेट रूप से लाया जाएगा, जिनको आज हम किसी बम्बई उदयपुर या अन्य जगह भेज करके जो इलाज कराते थे वो यही मुहैया होगा। और इसमें एक और चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि रोटरी के जो सदस्य और जो उनके साथी लोग हैं, ये बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनसे मिलने के लिए आपको सामान्यतः समय लेना पड़ेगा, और समय जब आप लेंगे तो उनका काफ़ी लंबी तारीख मिलती है, दिन 4-4 माह का उनके यहाँ नंबर लगा रहता है। इससे डॉक्टर भी यहाँ हमारे पास में सहज रूप से इन दिनों में उपलब्ध होंगे और वे मरीजों का परीक्षण करेंगे। जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, तो यहाँ ऑपरेशन जिला चिकित्सालय में होंगे, कटरा हॉस्पिटल में होंगे और योगराज अस्पताल में होंगे। सभी में अलग अलग बीमारियाँ हमने आइडेंटिफाई की हुई है, यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। जिन पेशेंट्स को अगर गंभीर बीमारी है और उसका इलाज यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि कई सारे ऑपरेशन में मॉडर्न या आधुनिक मशीनों की आवश्यकता होती है, ये आधुनिक मशीनें यहाँ उपलब्ध अगर नहीं है तो उसके लिए रोटरी के माध्यम से उन पेशेंट को बड़े स्थानों पर जहाँ वो मशीनें उपलब्ध भेजा जाएगा, रोटरी के डॉक्टर निःशुल्क इलाज करेंगे। तो ये एक व्यापक रूप से हमने इसमें तैयारियाँ की हैं। जिला चिकित्सालय में जो ऑपरेशन थिएटर है, उन ऑपरेशन थिएटर्स को अपडेट करने के लिए और उनका रिनोवेशन करने के लिए हमारे टेंडर्स फाइनल हो चुके हैं, काम प्रारंभ होगा। 25 सितंबर से पूर्व हमारे लक्ष्य के वो ऑपरेशन थिएटर्स के सारे काम पूरे हो जाए, ताकि वहाँ स्टरलाइजेशन आदि कार्रवाई करके करा सकें। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो रोटरी राहत दो शिविर है, ये व्यापक पैमाने पर हो रहा है और इसमें हम पूरे जिले और इस पूरे जो आसपास के जिलों को मिला करके देखा जाए तो जबलपुर संभाग के जिलों दूसरे जिलों में और
तो छत्तीसगढ़ के लोग भी हमारे पास पिछली बार आए थे, महाराष्ट्र से भी आए थे, इन सब पहले हमारे राज्य में। हम उस मरीज की जो हमारे पास डिटेल पहले से उपलब्ध होगी, हम उसे तुरंत त्वरित गति से इलाज कराने से संभव हो सकेंगे। तो मेरे नागरिकों से भी अपील है कि ऐप के माध्यम से पंजीयन कराएं। साथ ही यदि कोई ऐप के माध्यम से पंजीयन न भी करा पाया हो तो वह भी शिविर में पहुँचे और आप उन्हें पहुँचाने की व्यवस्था अपने स्तर पर करें। हमारे शासकीय जो कार्यालय है, जनपद कार्यालय है या कार्यालय है, उनके माध्यम से भी आप पेशेंट को यहाँ भिजवा सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। राहत शिविर का ये सेकंड सेशन है। इसके पहले हमने 2010 में भी रोटरी राहत शिविर मंडला में किया हुआ था और माननीय विवेक कृष्ण तनखा से हम लोगों ने निवेदन किया कि सर मंडला जिले की आदिवासी जनता जो यहाँ पर है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्वास्थ्य सेवाओं की, उन्होंने पुनः हमको 7 नवंबर से 14 नवंबर तक एक राहत शिविर जो एक बृहत सर्जरी कैंप और मेडिकल कैंप के नाम से विख्यात है, उन्होंने पुनः मंडला में दिया हुआ है। कलेक्टर महोदय का जो सहयोग है वो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है और हमें प्रशासनिक सभी अधिकारियों के भी साथ जो राहत शिविर में सहयोग है वो अकल्पनीय आ रहा है। हमारे रोटरी क्लब मंडला में कल के जो सदस्य हैं वो 11-11, 12-12 रात तक हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं, हर फील्ड में जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पूरी तरह से हमारे साथ रोटरी के सदस्य लगे हुए हैं। साथ ही हमारे जबलपुर रोटरी क्लब के भी सदस्य जो हैं वो जबलपुर से आकर यहाँ पर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और पूरी तैयारियों में हमारे साथ हैं। रोटरी इनर व्हील क्लब जो है मंडला का, वो भी हमारे साथ रोटरी राहत कैंप में हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है।